हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूँ। स्वागत है आपका रंजीत एडू पॉइंट में। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं जो कि लगातार खबरों में बने हुए हैं, श्री के पाठक सर। उनके बारे में लगातार न्यूज चलाई जा रही है कि उनका ट्रांसफर हो चुका है या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो शिक्षा विभाग से हटाए जा चुके हैं। तमाम कवायद लगा जा रही है और मीडिया पर, यूट्यूब पर सारी वीडियो चल रहे हैं लगातार कि नहीं, के पाठक सर जो हैं अब अपने विभाग से इस्तीफा दे दिए हैं, वो छुट्टी पर चले गए हैं, समारोह में शामिल नहीं होंगे, इसके कारण वो अब विभाग छोड़ दिए हैं। तमाम तरह के न्यूज जो है न्यूज चैनलों पर चलाया जा रहा है। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये सारे जो न्यूज चल रहे हैं वो फर्जी तरीके से चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं कह रहा हूँ कि ये सारे जो न्यूज हैं ये फर्जी न्यूज हैं और केवल ऊपर ऊपर अफवाह मचाया गया है। ऐसा कोई न्यूज है नहीं, ऑथेंटिक कोई न्यूज नहीं। आपको एक गहरी बात सोचनी होगी, जो भी न्यूज चला रहा है वो सारे जो न्यूज है वो बिल्कुल ही अफवाह की तरह, किसी को विश्वसनीयता का कोई गारंटी, किसी भी न्यूज पर विश्वसनीयता का कोई गारंटी आपको नहीं मिल रहा है। सभी क्या है, सभी संदेह में बात कर रहे हैं। मैं अभी आपको बता दूं कि अभी भी सचिवालय में के पाठक का बोर्ड लगा हुआ है, उनका जो ऑफिस है उस ऑफिस में भी उनका बोर्ड लगा हुआ है। दूसरी बात मैं बता दूं कि किसी भी आईएएस ऑफिसर को किसी विभाग से हटाने के लिए या इस्तीफा देने के लिए प्रक्रिया जो होती है वो लंबी होती है। केवल कह देना कि नहीं, के पाठक सर जी ने इस्तीफा दे दिया है या उन्हें विभाग से हटा दिया गया है, ये इतना आसान नहीं होता है दोस्तों। कोई भी आईएएस ऑफिसर अगर किसी पद से इस्तीफा देता है, अगर वह केंद्र सरकार के प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहा है, तो जिस मंत्रालय का है उस मंत्रालय को सूचित किया जाता है और फिर प्रधानमंत्री को सूचना दी जाती है इन्होंने इस्तीफा इस पद से दिया है, उसके बाद उसकी प्रक्रिया की जाती है। दूसरी बात यह होती है कि अगर कोई राज्य का आईएएस ऑफिसर किसी आईएएस ऑफिसर कोई जिम्मेवारी से अपना काम कर रहा है या कौन से विभाग का वो हेड बना हुआ है, तो अगर वो कोई भी अपनी इस्तीफा देता है तो राज्य के प्रधान सचिव को देता है, प्रधान सचिव को, जबकि प्रधान सचिव को इस बारे में कोई अभी तक ले सूचना ऑथेंटिक नहीं मिली है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि के पाठक सर का जो भी न्यूज वायरल हो रहा है कि के पाठक ने अपना इस्तीफा दिया है, ये सारे जो है अफवाह मचाए गए हैं। केवल यूट्यूब पर या न्यूज जो न्यूज व्हाट्सएप पर घूम रहे हैं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का न्यूज है, इसमें कोई किसी प्रकार का सच्चाई नहीं है। आप देखिए कि आप ध्यान से देखिए कि केके पाठक सर यहां पर छुट्टी पर गए हैं और वो भी उबाज कर रहे हैं कि मेरे बारे में क्या न्यूज चलाई जा रही है और लोगों में क्या बातें हो रही है। भी शिक्षक पर केके पाठक सर को लेकर उत्साह मना रहे थे, केके पाठक सर का ट्रांसफर हो गया, इस्तीफा देगा, उनके ऊपर पानी फेर दिया है। ऐसी कोई न्यूज ऑथेंटिक नहीं अभी तक ले आई है, इसलिए ज्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बातों पर विश्वास न कर दिए। जब तक ले ऑथेंटिक न्यूज किसी के पास नहीं आता है, कोई लेटर इशू नहीं होता है, तब तक ले आप किसी भी अफवाहों पर विश्वास न करें। हाँ, के पाठक सर जो है उपार्जित अवकाश पर गए हैं, इस बात की सच्चाई है और इस बात का ऑथेंटिक लेटर भी निकला हुआ है, अफवाहों पर विश्वास नहीं कीजिए। ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और दोस्तों को शेयर किया। जय हिंद दोस्तों।